ओवर की आखिरी गेंद, उनके सामने कुणाल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी अच्छे। हल्के हाथों से खेला एक रन के लिए। एक ओवर के समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर 5 रन 2 विकेट्स। लो ईवी जो चार्जिंग बाइक है काफी अच्छी है, अपने वनी में उपलब्ध, नो पेट्रोल, नो कार्बोरेटर, नो क्लच प्लेट, काफी अच्छी बाइक है लो ईवी। सचिव बहू पुलिस स्टेशन एंड के तरफ से गेंदबाजी लेकर आए हैं, उनके सामने है लेफ्ट हैंड बैट्समैन कुणाल। एक अच्छी गेंद, डायरेक्ट थ्रो, लेकिन अंपायर का फैसला नॉट आउट। 2 रन भागने में कामयाब, और थ्रो के वजह से दूसरा रन आसानी से लिया है। काफी अच्छे बल्लेबाज है कुणाल पारखी, और उनके सामने सचिव। जोर से बल्ला घुमाया पीछे फील्डर दौड़ते हुए, और काफी अच्छा शॉट 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन के लिए। वाइड गेंद, काफी अच्छा डिसीजन अंपायर का, वाइड गेंद। कुणाल के सामने सचिव गेंदबाजी लेकर, फिर से एक बार जोर से बल्ला नीचे, गोल और आसान सा कैच आउट। काफी अच्छी बॉलिंग जेएमसीसी की, सतीश भाऊ ने अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी जेएमसीसी की तरफ से। दर्शक जेएमसीसी के काफी खुश जो अपने टीम को सपोर्ट करने आए। सुनील एल के अगले बल्लेबाज सुनील एल के, बारह रन पे 3 विकेट गिर चुके, अभी भी ओवर के 3 गेंद बाकी। काफी अच्छी बॉलिंग सतीश बाबू की,
बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। लेकिन लेग बॉय के रूप में एक रन मिलता हुआ बहुत ही बढ़िया ओवर अब तक सतीश बाबू का। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। काफी लेग साइड के दिशा में खेला हुआ अच्छा शॉट संतोष पारकी का एक रन के लिए। अच्छी दौड़ वाइड गेंद वाइड गेंद काफी अच्छा निर्णय अंपायर का। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे संतोष बाबू उनके सामने है सुनील एल के। काफी अच्छा बॉल बेहतरीन ओवर ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 15-3। 2 ओवर 15 रन 3 विकेट्स काफी अच्छी शुरुआत जेम्स की। एम ब्लास्टर को बड़ा स्कोर करने के लिए संतोष पारकी को एक बड़े रनों की जरूरत। काफी अच्छे बल्लेबाजों बड़े पारी एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत उनको उनका साथ देने के लिए मैदान पे है सुनील। अब गेंदबाजी लेकर आए हैं गवर्नमेंट स्कूल के तरफ से एंड से आशुतोष। हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में एक रन आसानी से। अब स्ट्राइक पे सुनील उनके सामने है जेम्स इसके बेहतरीन गेंदबाज और ये उठा के मारा है नीचे फील्डर आते हुए और ये आसान से क्या छोड़ दिए। काफी अच्छी रनिंग 2 रन के लिए एक जीवनदान मिलता हुआ उनको। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे आशुतोष। बेहतरीन बॉलिंग का नजर रहा जेम्स की तरफ से। वाइड बॉल अभी तक अच्छा ओवर और पलट के मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। काफी अच्छे बल्लेबाज है सुनील उनमें वो क्षमता है कि वो एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। फिलहाल और एक लगाया लेग साइड की दिशा में 4 रन के लिए।
काफी अच्छा शॉट सुनील भाऊ का 4 रन के लिए। फिर से एक बार उसी दिशा में मारना चाहते थे लेकिन असफल, फिर भी 1 रन चुराने में कामयाब लेग बाइस के रूप में। इस ओवर के आखिरी गेंद वाइड गेंद, काफी बेहतरीन निर्णय सुधीर भाऊ का जो सफल होते हुए और एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। 3 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 3 विकेट, 3 ओवर 25 रन 3 विकेट, 3 ओवर 25 रन 3 विकेट। लो ईवी जो बाइक वनी में उपलब्ध, काफी अच्छी बाइक, नो पेट्रोल, नो गेयरबॉक्स, नो एयर फिल्टर, नो स्पार्क प्लग, नो क्लच प्लेट, नो कार्बोरेटर, काफी अच्छी बाइक, चार्जिंग पे चलती हो। 3 ओवर 25 रन 3 विकेट, काफी अच्छी शुरुआत जेम्स की तरफ से गेंदबाजी की। अब स्ट्राइक पे सुनील भाऊ जो काफी अच्छे बल्लेबाज है। सतीश भाऊ फिर से एक बार गेंद उनके हाथ में, ये बल्ला घुमाया नीचे फील्डर जाते हुए, फील्डर कौन, मोंटी, कैच आउट। काफी अच्छा एंजॉय कर रहे मोटू पतलू। लो ईवी बाइक के डांसर मोटू पतलू इस मैच का आनंद लेते हुए। अब चिन्नू भाव की तरफ से सतीश भाव को 100 रुपये का इनाम। काफी अच्छी बॉलिंग संतोष पारकी का साथ देने आए सादिक शेख। वो आगे निकल के बड़ा शॉट मारने की कोशिश लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी जो हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे सतीश वो। काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे गेंद को, आसानी से 1 रन पूरा। मजबूत फील्डिंग जेम्स की।
सचिज भाव के सामने सादिक भाई। काफी बढ़िया शॉट है 6 रन के लिए। वॉलेंटियर कृपया बॉल पे ध्यान दीजिए। वॉलेंटियर वॉलेंटियर कृपया काफी अच्छा शॉट सादिक भाई ने 6 रन के लिए लगाया है। चार ओवर के समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 4 विकेट। साजिब भाई के लिए 500 रुपये का इनाम काशिफ रहमान की तरफ से। काशिफ रहमान काफी अच्छा सिक्स मारा है काशिफ रहमान की तरफ से। साजिब भाई को 500 रुपये का इनाम। अगले गेंदबाज है विजय जो अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी करते आए, सबको प्रभावित किया उन्होंने अपने गेंदबाजी से। बेहतरीन लेंथ और डॉट बॉल के माहिर विजय जियावार पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उनके सामने है संतोष पारखी। दिशा भटकते हुए विजय वाइड गेंद। काफी बड़ा शॉट 6 रन के लिए। काफी बड़ा शॉट संतोष पारखी के बल्ले से। और एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। एम ब्लास्टर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर उनके नाम पे। और आगे निकल के मारा है काफी लंबा शॉट 6 रन के लिए। काफी बेहतरीन ओवर आता हुआ एम ब्लास्टर के लिए अब तक का सबसे महंगा ओवर जेएमसीसी का। काफी अच्छी बल्लेबाजी संतोष भाऊ के तरफ से देखने को मिल रहे। दर्शक काफी खुश। मैदान पर संतोष पारखी और सादिक भाई दोनों भी मौजूद। फिर से एक बार बल्ला घुमाया नीचे पिलर पहुंच नहीं पाए और आसानी से 1 रन। काफी अच्छा ओवर एम ब्लास्टर के लिए अब तक।
और एक बार पलट के मारा है सादिक भाई ने, 6 रन के लिए काफी बढ़िया शॉट। टीम में मजबूत पकड़ करते हुए दोनों भी बल्लेबाज सादिक भाई और संतोष पारखी काफी बड़े बड़े शॉट लगा रहे दोनों भी बल्लेबाज। अब तक का सबसे महंगा ओवर, 5 गेंद पे 20 रन आ चुके और इस गेंद के ओवर के आखिरी गेंद बाकी। और एक बार बल्ला घूमया, बॉल काफी ऊंचा और 6 रन। काफी महंगा ओवर जेएमसीसी का और अब तक का सबसे अच्छा ओवर एम ब्लास्टर के लिए, 26 रन आए पिछले ओवर में। 5 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, 5 ओवर 58 रन, 4 विकेट। काफी अच्छी बल्लेबाजी एम ब्लास्टर की तरफ से। पहले शुरुआत खराब हुई थी, अब संतोष पारखी और सादिक भाई दोनों ने टीम को संभाला, काफी अच्छा कमबैक किया उन्होंने। अब छठवा ओवर लेकर आ रहे आशुतोष, पांच ओवर 58 रन, 4 विकेट्स। WPL का आज का चौथा दिन और ये आगे निकल के बड़ा शॉट मारना चाहते थे, बल्ले पे अच्छी तरह से गेंद आई नहीं, पीछे फील्डर दौड़ते हुए 1 रन के लिए। 11 स्टार क्रिकेट क्लब वनी द्वारा आयोजित WPL का आज का चौथा दिन, दर्शक इस लीग का आनंद लेते हुए अभी एम ब्लास्टर और जेएमसीसी का मुकाबला चालू, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होते हुए। स्ट्राइक पे साजिद भाई, उनके सामने आशुतोष, बेहतरीन गेंदबाज के सामने बेहतरीन बल्लेबाज, आगे निकल मारना चाहते थे लेकिन गेंद वाइड। गेंदबाज आशुतोष, टॉप के गेंदबाज, उनके सामने आक्रामक बल्लेबाज और ये उठा के मारा है लेकिन फिर नीचे फील्डर और आसान सा कैच।
दर्शक मैच का आनंद लेते हुए अच्छी सफलता दिलाई आशुतोष ने। अब अगले बल्लेबाज सूरज मड़ावी उर्फ मैडी यूनिवर्सिटी कलरकोट गोंडवाना यूनिवर्सिटी जिन्होंने क्रिकेट में कलरकोट लिया है। हल्के हाथों से खेला गया शॉट संतोष पारकी का। अब स्ट्राइक पे गोंडवाना यूनिवर्सिटी के कलरकोट सूरज मड़ावी बेहतरीन बल्लेबाज जो अपने नाम से नहीं तो काम से जाने जाते हैं। काफी अच्छा शॉट खेला एक रन के लिए सूरज मड़ावी ने। अब स्ट्राइक पे फिर से एक बार संतोष पारकी। कट करना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद और ये आगे निकल के बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा एक रन। छह ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 63 पांच विकेट बैटिंग पावर प्ले लिया है। छह ओवर 63 रन पांच विकेट 6 ओवर नंतर झालेली धाव संख्या है 63 रन पांच विकेट। सहा ओवर 63 रन पांच विकेट। छह ओवर 63 रन पांच विकेट 10 के ऊपर से रन रेट से चलते हुए एम ब्लास्टर फिलहाल मैदान पर मौजूद सूरज मड़ावी और संतोष पारकी दोनों भी काफी अच्छे बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने में माहिर। उनके सामने गोलू अक्षय काफी अच्छा बॉल गोलू का अब तक के सबसे सफल गेंदबाज अक्षय उर्फ गोलू। अच्छी गेंद गोलू की अब गोलू के सामने है सूरज मड़ावी जो गोलू का सामना करेंगे। सातवां ओवर चालू और एक काफी बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। अपने नाम से नहीं तो काम से जाने जाते हैं सूरज मड़ावी। काफी बेहतरीन फोर लगा के उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई।
और ये आगे निकल के जोर से मारा फटका, काफी अच्छा शॉट, देखते हैं अंपायर का क्या फैसला आता है। 6 रन। अभी ने लगाया है, काफी अच्छी बल्लेबाजी सूरज मड़ावी की तरफ से, दर्शक काफी खुश, एम ब्लास्टर के खिलाड़ी काफी खुश, यही उम्मीद थी उनसे एम ब्लास्टर की, जो अपने उम्मीद पे खरे उतरे हैं। सूरज मड़ावी 7 नंबर के टी शर्ट पे धोनी जैसा प्लैट शॉट लगा के उन्होंने अपनी काबिलियत पेश की है। अब स्ट्राइक पे संतोष पारखी, उनके सामने अमोल मोहिते जो बेहतरीन गेंदबाज है। काफी अच्छे बल्लेबाज संतोष पारखी जी स्ट्राइक पे, उनके सामने गेंदबाज अमोल मोहिते सामना करेंगे संतोष पारखी। और ये आगे निकल के बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन फिर भी 1 रन चुराने में कामयाब। फिर से एक बार धुआंधार बल्लेबाज यूनिवर्सिटी कलर कोट सूरज मड़ावी, हमारे करीबी दोस्त, बेहतरीन बल्लेबाज है। काफी बढ़िया शॉट कवर की दिशा में, फील्डर बॉल के पीछे 2 रन आसानी से। अच्छी बल्लेबाजी सूरज मड़ावी की, जो 5 गेंद पे 14 रन लगा चुके, 280 का स्ट्राइक रेट, 1 6 और 1 4 लगा चुके, 280 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं सूरज मड़ावी। फिर से एक बार बल्ला घुमाया और 1 रन के लिए। बड़े टोटल के तरफ जाते हुए एम ब्लास्टर, शुरुआत काफी खराब, लेकिन साजिक भाई और संतोष पारखी ने पारी को संभाला और सूरज मड़ावी ने आके पारी को आगे बढ़ाया। और एक बहुत ही अच्छा शॉट फील्डर बॉल के पास और आसान सा रन आउट। अब सूरज मड़ावी का साथ देने आए हैं उनके एक करीबी दोस्त, जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी के दूसरे कलर कोट निखिल तेलंग, ऑलराउंडर निखिल तेलंग, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने निखिल तेलंग ने। और उनके सामने है अमोल मोहिते गेंदबाज,
और कवर के ऊपर से मारने की कोशिश। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे, 3 रन चुराना चाहते थे लेकिन रन आउट के द्वारा अपनी विकेट गवा बैठे मैडी। खुद के पास स्ट्राइक रखना चाहते थे लेकिन रन आउट के स्वरूप में उनको अपनी विकेट गवानी बैठी। अब निखिल तेलंग का साथ देने आ रहे सचिन भाऊ, 3 नंबर की जर्सी में सचिन भाऊ अब स्ट्राइक पे, उनके सामने अमोल जिन्होंने अब तक काफी अच्छा ओवर डाला है, 5 बॉल में सिर्फ 6 रन दे दिए है। और फिर से एक बार रन आउट। आठ ओवर नंतर झालेली धाव संख्या 83 रन, 7 विकेट। जेएमसीसी या संघाला जिंकण्यासाठी 84 धावा ची आवश्यकता। 8 ओवर 83 रन 8 विकेट। जेएमसीसी को जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है एम ब्लास्टर ने, पहले शुरुआत में उन्होंने विकेट गवाए, बाद में संतोष पारकी और साजिक भाई ने पारी को संभाला, उसके बाद साजिक भाई के विकेट के बाद सूरज मड़ावी ने आके पारी को आगे बढ़ाया, फिर 83 रनों के तरफ उन्होंने अपना स्कोर बढ़ाया और जेएमसीसी को 84 रनों का टारगेट दिया है। दर्शक अगर इस मैच का आनंद लेना चाहते तो पुलिस स्टेशन एंड के तरफ से अमोल टी कॉर्नर, गर्मा गर्म चाय, माही पान सेंटर और गवर्नमेंट एंड के तरफ से मोदी टी कॉर्नर। लो ईवी जो बाइक है अपने वहनी शहर में आई है, इलेक्ट्रिकल बाइक है, चार्जिंग की काफ़ी अच्छी बाइक जो नो पेट्रोल, नो गेयरबॉक्स, नो एयर फिल्टर, नो स्पार्क प्लग, नो क्लच प्लेट, नो कार्बोरेटर, जिसको पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं ऐसी बाइक लो ईवी। और वनी के दर्शकों के लिए एक अच्छा ऑफर, बम्पर धमाका जो 30 रुपये का कूपन निकालेगा उनके लिए ऑफर। फाइनल की क्रॉस टीम जो लकी ड्रा कूपन में जिसका नंबर लगेगा उसको दिया जाएगा साइकिल, टाटेवार साइकिल स्टोर स्पॉन्सर, 30 रुपये का कूपन है टाटेवार साइकिल स्टोर स्पॉन्सर। जो कूपन के लकी ड्रॉ में जिसका नंबर लगेगा फाइनल की क्रॉस टीम उसको लकी ड्रॉ का ए 10 टीम में कौन सी टीम जीतेगी उसके लिए इस ऑफर है और उसका लकी ड्रा स्कीम निकलेगा। जेएमसीसी या संघाला जिंकण्यासाठी 84 रनांची आवश्यकता।
लो ईवी जो बाइक अपने वनी में आई है, बेहतरीन बाइक, बिना पेट्रोल की, बिना गेयरबॉक्स की, बिना एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, क्लच प्लेट, कार्बोरेटर ये नहीं है उसमें। चार्जिंग पे चलती है बाइक, काफ़ी अच्छी बाइक जो अपने वनी में है, लो ईवी। बीस पैसे में 1 किलोमीटर चलती है। जेएमसी के लिए जीतने के लिए 84 रनों का आह्वान, काफी अच्छा टारगेट, बड़ा टारगेट है, जो इस टारगेट को आसानी से पूरे पूरा करने के लिए जा रहे टीम के कप्तान सुधीर भाऊ पेटकर, जो काफ़ी अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज है, जिन्होंने अब तक अपने बल्लेबाजी से सभी दर्शकों का दिल जीता है। और उनका साथ देने के लिए मैदान पे अनिकेत मेश्राम, जो बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज, पिछले मैच की हीरो। दोनों भी सलामी जोड़ी मैदान पे मौजूद, और उनके सामने घातक गेंदबाज प्रमोद चापड़े उर्फ पमला, वने के स्ट्राइक गेंदबाज घातक। ओवर की पहली गेंद आगे निकल के हल्के हाथों से खेला, और अच्छी रनिंग, 2 रन आसानी से। सुधीर बाबू पेटकर काफी अच्छे बल्लेबाज है, टीम के ऑनर, टीम के कप्तान, बेहतरीन बल्लेबाज। अभी स्ट्राइक पर उनके सामने प्रमोद, और एक गेंद उठा के मारा नीचे फील्डर, और आसान सा कैच। गेंद बल्ले पे अच्छी तरह से आई नहीं, काफी नाखुश होंगे अपने आप से, और अपनी विकेट गवा के पवेलियन लौटते हुए सुधीर बाबू। लेकिन उनके टीम में अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, मोंटी, जिन्होंने टीम को जिताने में काफी उनका बड़ा योगदान रहता है, मोंटी का, जो राजूर से है, बेहतरीन फील्डर, गेंदबाज और बल्लेबाज, ऐसा ऑलराउंडर मोंटी अभी मैदान पे मौजूद। अनिकेत का साथ देने के लिए उतरे, अभी स्ट्राइक पे अनिकेत, सामना करेंगे प्रमोद का। और काफी अच्छा बॉल प्रमोद का, लेकिन अनिकेत में वो क्षमता है कि लंबी पारी खेल सकते, पिछले मैच अच्छी तरह से उन्होंने काफी रन बटोर रहे थे। आसानी से हल्के हाथों से खेला गया शॉट, 1 रन के लिए, काफी अच्छी शॉट। बेहतरीन सोच के साथ हल्के हाथों से खेला गया शॉट। अब स्ट्राइक पे मोंटी, काफी अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद सूरज मड़ावी,
जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और एम ब्लास्टर को एक बड़े स्कोर के तरफ लेके जाने में अपना योगदान दिया है सूरज मड़ावी ने। अनिकेत जो सामना करेंगे इस प्रमोद का। काफी अच्छा शॉट उठा के मारने की कोशिश, लेकिन दो रन आसानी से। एक ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक ओवर 6 रन एक विकेट। बेचाड़ीस बाल 78 रन। एक ओवर 6 रन एक विकेट। काफी सोच समझ वाली क्रिकेट जो इस वक्त जेम्स इसके तरफ से। लेकिन अब गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं सैफुर रहमान, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सैफुर रहमान, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे अपने 2 ओवर में। काफी बेहतरीन ओवर डाले थे दोनों भी। उनका सामना करेंगे मोंटी। और एक क्या खतरनाक फील्डिंग, लेकिन कैच मिस होता हुआ बाल बाल बच गए मोंटी। जीवनदान मिलता हुआ मोंटी को। अब स्ट्राइक पे अनिकेत सामना करेंगे सैपुर का बेहतरीन गेंदबाज पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। काफी बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन की जगह 2 रन मिले। काफी अच्छी रनिंग मोंटी, जिनकी वजह से 1 रन की जगह 2 रन मिले। बेहतरीन रन अप मोंटी का। काफी अच्छी गेंद सैपुर की, बेहतरीन बॉलर इस टूर्नामेंट के, इस लीग के अब तक के सबसे सफल गेंदबाज सैफुर रहमान, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। और काफी अच्छी गेंद और वाइड गेंद, अंपायर का डिसाइड। काफी अच्छी सोच समझ वाली क्रिकेट अनिकेत, जो स्ट्राइक पे उनके सामने सैपुर। और ये आगे निकल खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा 1 रन के लिए। काफी अच्छा ओवर एम ब्लास्टर के तरफ से अब तक। इस ओवर की आखिरी गेंद गवर्नमेंट एन के तरफ से सैपुर। चार ही गेंद हुई थी, 5वीं गेंद।
काफी अच्छी गेंद जयपुर की। काफी अच्छा शॉट मोंटी ने मारा है पीछे फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन गेंद जीत गई 4 रन के लिए। दो ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 1 विकेट, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। छत्तीस बॉल 69 रनों की आवश्यकता। दो ओवर 15 रन 1 विकेट। काफी बड़ा मुकाबला चालू है इस मैदान पर, दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए मोदी टी कॉर्नर और पुलिस स्टेशन एन की तरफ से अमूल टी कॉर्नर। अब गेंदबाजी लेकर आए हैं निखिल तेलंग, काफी अच्छे प्लेयर है जिन्होंने अब तक की गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया है सबको। गवर्नमेंट एन के तरफ से निखिल तेलंग फील्ड सजाते हुए। ये होता है अनुभवी प्लेयर की खासियत, उनको मालूम है वो गेंद किस बाजू में डाल सकते और फील्डर कहाँ लगाना है। लोअर फुल टच बॉल नीचे फील्डर और आसान सा कैच आउट। काफी आसान सा कैच पकड़ा है निखिल तेलंग ने, अपने टीम को सफलता दिलाई, अपने कप्तान का भरोसा जीत लिया उन्होंने और अपने ओवर के पहले गेंद पर उन्होंने विकेट निकाल के साबित कर दिया कि वो भी एक अच्छे बड़े प्लेयर है। काफी अच्छा बॉल 1 रन के लिए। पिछले मैच में उन्होंने लास्ट के आखिर के 2 गेंदों पे 2 विकेट ली थी और अब इस इनिंग में पहले ही मैच पे विकेट लिए उन्होंने। पंते काफी अच्छे बॉलर, वाइड गेन, अच्छा डिसीजन
अनुभवी अंपायर नई बल्लेबाज कुंदन जो इस गेंद को खेल रहे उनके सामने है बेहतरीन गेंदबाज निखिल तेलंग सफल गेंदबाज और ए बाउंस डालने की कोशिश और हल्के हाथों से एक रन के लिए सोच समझ वाली क्रिकेट खेलते हुए एम ब्लास्टर काफी अच्छा शॉट जोर से मारने की कोशिश लेकिन फिर भी एक रन काफी अच्छा कवर संतोष पारकी का फिर से एक बार निखिल के सामने कुंदन और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन वाइड गेंद काफी अच्छा यॉर्कर बॉल लेकिन मिसफील्ड होते हुए वहां पे और आसानी से दो रन बत्तीस बॉल 31 बॉल में 62 रन इकतीस बॉल मध्ये 62 रनांची आवश्यकता ए बॉल बड़ा शॉट मारना चाहते हैं और आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथ में तीन ओवर 22 रन तीन विकेट्स तीन ओवर 22 रन तीन विकेट्स तीस गेंद 62 रन अब मैदान पे मौजूद जेएमसी की तरफ से दोनों आइकन प्लेयर अक्षय और मोंटी काफी बेहतरीन प्लेयर है अनुभवी है क्रिकेट खेलना काफी अच्छे तरह से जानते हैं तीन ओवर 22 रन तीन विकेट्स तीन ओवर 22 रन तीन विकेट 30 गेंद में 62 रन की आवश्यकता अब पुलिस क्वार्टर की तरफ बाजू से एक बार फिर
अपना ओवर लेकर आ रहे सैफुर रहमान, जिन्होंने एक ओवर में 9 रन दिए। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच एमोंटी का पलट के मारने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। मोंटी के सामने सैफुर रहमान, और एक बल्ला घुमाया जोर से, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद 4 रन के लिए। फील्डर समझ नहीं पाए कि गेंद कहां से आ रही है, कंफ्यूज हुए थे, लेकिन गेंद ने बाउंड्री की दिशा चुनी। काफी अच्छा यॉर्कर बॉल और अच्छी रनिंग 2 रन के लिए। तीसरा भागना चाहते थे, लेकिन अच्छा थ्रो, काफी अच्छी रनिंग मोंटी की, बेहतरीन रन अप। जहां एक होता है वहां से 2 रन चुरा सकते हो। सैफुर रहमान का सामना करते हुए मोंडुई, और काफी अच्छे शॉट, 2 रन निकालना चाहता है और आसानी से 2 रन पूरे। काफी बेहतरीन सोच, अगर इसी तरह से खेलते रहे आसानी से लक्ष्य तक पहुंच सकते। हर बार में 2-2 रन अगर निकालते गए। गवर्नमेंट एंड की तरफ से सैफुर रहमान जो अपना ओवर डाल रहे, और काफी अच्छी सोच, फिर एक बार दौर लेना चाहते, लेकिन फील्डर मौजूद सूरज मड़ावी, इनके हाथ से रन लेना इतना आसान नहीं है, और एक ही रन। काफी अच्छा बॉल, अपील काफी अपील हो रही, लेकिन अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, नॉट आउट। काफी अच्छा फैसला अंपायर का। चार ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 3 विकेट्स 31। चौबीस बॉल 53 धावांची आवश्यकता, चार ओवर 31 रन 3 विकेट। चौबीस बॉल 53 रन जिंकण्यासाठी 24 बॉल मध्ये 53 धावांची आवश्यकता।
काफी खतरनाक शॉट, फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तेरह के ऊपर से रिक्वायर रन रेट। काफी अच्छा शॉट, गेंद की नीचे, लेकिन आसान सा क्या छोड़ दिया, फील्डर समझ नहीं पाए गेंद को और एक क्या छूटता हुआ। फिर से एक बार जीवनदान जेएमसीसी के खिलाड़ियों को। बाईस बॉल 50 रन, 22 गेंदों पे 50 रन की आवश्यकता जीतने के लिए जेएमसीसी को, काफी बड़ा लक्ष्य था। और ये आगे निकल के काफी लंबा शॉट मारा है, 6 रन। इक्कीस बॉल 44 रन की आवश्यकता, काफी अच्छी बल्लेबाजी जेएमसीसी की। बॉल वॉलंटियर बॉल, इक्कीस बॉल 44 रन की आवश्यकता, 21 गेंद पे 44 रन की आवश्यकता, 21 बॉल्स 44 रन्स। एकवीस बॉल 44 रन, जेएमसीसी ला जिंकण्यासाठी 21 बॉल मध्ये 44 रनांची आवश्यकता। अगर ये दो प्लेयर मैदान पे मौजूद रहे तो आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर सकते, दोनों भी आइकॉन प्लेयर काफी अनुभवी, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों भी अच्छी तरह से करना जानते हैं। एकवीस बॉल 44 रनांची आवश्यकता। काफी अच्छी गेंदबाजी, अरे और एक बार अच्छा उठा के मारा है नीचे फील्डर आते हुए, लेकिन हाथ से क्या छूटा, देखते हैं अंपायर का फैसला क्या आता है।
अच्छा डिसीजन। लकी ड्रॉ लावायचा आहे का देऊ सांगू झालं सिक्स आहे। यूट्यूब पे रिप्ले देख के बता रहे सिक्स आहे। काफी अच्छा शॉट, बार बार रिप्ले देख।
कमेटी के जितने भी मेंबर है वॉलेंटियर्स सब थोड़ा सा ग्राउंड के चारों तरफ चले जाइए, कमेटी के वॉलेंटियर्स सब ग्राउंड के तरफ रहिए, एक एक कुंडे में वॉलेंटियर्स तौसीफ सौरभ जिनकी मैच नहीं है सब ग्राउंड के एक एक कुंडे में रहे, मयूर सुनील और कौन है जो भी ग्राउंड पे सब इधर उधर फैल जाओ, यहाँ यहाँ जितने काम के बाकी सब उधर जाइए, चलो चलो मैच जल्दी स्टार्ट करा जाए। बीस बॉल 38 रन, जेम्स इसको जीतने के लिए 20 बॉल में 38 रन की आवश्यकता। वॉलंटियर वीस बॉल मध्ये 38 धावांचं आव्हान च्या दिशेने जाताना 20 बॉल 38 रन जिंकण्यासाठी वीस बॉल 38 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी अक्षय ढेंगड़े की।
डेड बॉल। उनके सामने निखिल तेलंग जो बेहतरीन गेंदबाज है, काफी अच्छा शॉट मारा था अक्षय ने 6 रन के लिए। और फिर से एक बार बल्ला घुमाया, नीचे फील्डर आता हुआ और आसान सा कैच छोड़ दिया, दो रन के लिए नो बॉल। अंपायर का फैसला, अंतिम फैसला नो बॉल और फ्रीट देते हुए अंपायर। काफी अच्छा फैसला अंपायर का, अच्छा डिसीजन, नो बॉल और फ्री हिट। देखते फ्री हिट पर अक्षय क्या बड़ा शॉट लगाते, देखते अगले गेंद पर। उनके सामने निखिल तेलंग, और ये बल्ला घुमाया, काफी अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, दो रन के लिए। जेम्स को जीतने के लिए 19 बॉल पे 33 रन की आवश्यकता, 19 बॉल 33 रन। और फिर से एक बार बल्ला घुमाया और काफी अच्छा शॉट, देखते हैं अंपायर का फैसला। काफी बड़ा शॉट अक्षय ढेंगड़े ने लगाया है, 6 रन। काफी बढ़िया पारी खेलते हुए अक्षय ढेंगड़े, 342 के स्ट्राइक रेट से चलते हुए 7 गेंद पे 24 रन, 18 गेंद पे 27 रन की आवश्यकता, 5 ओवर 57 रन 3 विकेट्स, 5 ओवर 57 रन 3 विकेट्स, 18 गेंद पे 27 रन की आवश्यकता।
काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अक्षय। अब अगले गेंदबाज है कुणाल पारखी, उनके सामने मोंटी जो 12 गेंदों पे 18 रन निकाल चुके, 18 गेंदों पे 27 रन की आवश्यकता। पुलिस स्टेशन एंड की तरफ से कुणाल पारखी गेंदबाजी लेकर आए हैं। काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज खेल नहीं पाए इस गेंद को। सत्रह बॉल 27 रन। सत्रह गेंद पे 27 रन की आवश्यकता। और एक बार अच्छे से तरह से बल्ला घुमाया और बाल से मारे का पार। काफी बड़ा हिट 6 रन के लिए मोंटी ने लगाया है। 16 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता। काफी अच्छी बल्लेबाजी जेएमसीसी की। मोंटी जब तक मैदान पे है सारी उम्मीदें जेएमसीसी के जिंदा। सोलह गेंद 21 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी जेएमसीसी की। हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। काफी सोच समझ वाली क्रिकेट खेलते हुए मोंटी। उनका साथ देते हुए अक्षय जो 7 गेंद पे 24 रन लगा चुके हैं। अब 15 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। अक्षय के सामने कुणाल। और जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा।
चार बॉल, चौदह बॉल, बीस रन, चौदह बॉल में बीस रन की आवश्यकता। और फिर एक बार अच्छी गेंद, चतुर गेंदबाज कुणाल, उनके सामने अक्षय आइकन प्लेयर, काफी अच्छी बल्लेबाजी की अब तक उन्होंने। पलट के मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। अच्छा ओवर, 12 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। जेम्स सिसिगो, काफी अच्छी बॉलिंग एम ब्लास्टर की, मैच में पकड़ जमाते हुए एम ब्लास्टर। और बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, काफी अच्छी बॉलिंग एम ब्लास्टर की। बारह गेंद 20 रन, 12 गेंदों पे 20 रन की आवश्यकता जेम्स सिसिगो जीतने के लिए। अब गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रमोद चापड़े, एम ब्लास्टर के सबसे बेहतरीन गेंदबाज प्रमोद चापड़े, उनके सामने है जेम्स सिसिगो के सबसे घातक बल्लेबाज मोंटी। गवर्नमेंट एंड के तरफ से प्रमोद चापड़े, और ये बल्ला घुमाया बॉल ऊपर और काफी अच्छा शॉट, चार रन। काफी अच्छे चार रन के लिए शॉट मारा है मोंटी ने, और 11 गेंदों पे 16 रन की आवश्यकता। पहले ओवर के पहले गेंद पर चार रन, 11 गेंदे 16 रन। और एक बार बल्ला घुमाया नीचे पिलर जाते, लेकिन जज नहीं कर सके, आसानी से एक रन पूरा। काफी अच्छा बॉल, कीपर गेंद तक पहुंच नहीं पाए। प्रमोद चापड़े बेहतरीन बॉलर, उनके सामने अब अक्षय जिन्होंने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। और बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। काफी अच्छी गेंदबाजी प्रमोद की तरफ से, 9 बॉल 15 रन की आवश्यकता, 9 गेंदों पे 15 रन की आवश्यकता। काफी बढ़िया मुकाबला, वाइड गेन, वाइड गेन। अक्षय अब तक
11 गेंदों पे 24 रन बनाए उन्होंने। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है 218 के स्ट्राइक रेट से। 9 गेंद 14 रन। और एक बार बल्ला घुमाने की कोशिश, और एक रन चुराया है। 8 गेंद 13 रन। काफी बढ़िया मैच, दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। और फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, और अच्छी दौड़ और 2 रन आसानी से। काफी बेहतरीन रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। मोंटी जहाँ एक रन होता है वहां से 2 रन चुराने में कामयाब होते। काफी अच्छे बल्लेबाज उनका साथ दे रहे अक्षय। अभी स्ट्राइक पर मोंटी, और फिर एक बार बल्ला घुमाया, काफी जोर से बल्ला घुमाया, फील्डर मौजूद, लेकिन काफी अच्छी रनिंग, गलत थ्रो और आसानी से 2 रन पूरे। 6 गेंदों पे 9 रन की आवश्यकता। 7 ओवर नंतर झालेली धाव संख्या 75 रन 3 विकेट। 7 ओवर 75 रन 3 विकेट। 6 बॉल मध्ये 9 धावांची आवश्यकता। 6 बॉल 9 रन। काफी बढ़िया मैच, आखिर के 6 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता। दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। काफी रोमांच भरा मैच, अब तक का सबसे रोमांच भरा मैच में से एक आज का। केवल 9 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी जेएमसीसी की, अभी भी उनके पास 7 विकेट्स बाकी है। 6 गेंदों पे 9 रन की आवश्यकता। देखते एम ब्लास्टर के लिए आखिर का ओवर कौन लेकर आता है। छह गेंदे 9 रन। काफी रोमांच भरा मैच होता हुआ, दर्शक इस मैच को देखने के लिए काफी बड़ी मात्रा में उपस्थित। मैडी, सूरज मड़ावी उर्फ मैडी, जो आखिर का ओवर लेकर आए। काफी अच्छे गेंदबाज, जिन पर कप्तान ने भरोसा जताया है। देखते अपनी टीम के लिए आखिर का ओवर। काफी अच्छी गेंद और सीधा संतोष भाव की तरफ, एक रन आसानी से।
पांच गेंद आठ रन। जेम्स को जीतने के लिए पांच गेंद आठ रन। काफी रोमांचिक होता हुआ है मैच। अब स्ट्राइक पे मोंटी जो सूरज का सामना करेंगे। अरे बल्ला घुमाया, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन आसानी से दो रन चुराने में कामयाब। अब चार गेंद पे छह रन की आवश्यकता। चार गेंद छह रन, काफी उत्साह भरा मैच होता हुआ। और एक बार बल्ला घुमाया लेकिन अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज मोंटी। काफी खतरनाक मुकाबला होता हुआ। तीन गेंद वाइड। चार गेंद पांच रन। काफी अच्छी रनिंग दोनों के बीच में। तीन गेंद पे तीन रन की आवश्यकता। काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ। तीन गेंद में तीन रन की आवश्यकता। काफी अच्छी रनिंग मोंटी की, दो रन आसानी से लिए। तीन गेंद पर तीन रन की आवश्यकता। सूरज मड़ावी का सामना करेंगे मोंटी। काफी अच्छा बॉल, बहुत ही बढ़िया। दो गेंद पे तीन रन की आवश्यकता। रोमांचक ऐसा मुकाबला होता हुआ। दो गेंद पे तीन रन की आवश्यकता। फिर एक बार बल्ला घुमाया, नीचे फील्डर और आसान सा कैच। क्या काफी रोमांचक ऐसा होता हुआ मुकाबला एम ब्लास्टर और जेएमसीसी का। एक बॉल पे तीन रन की आवश्यकता। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं अमोल मोहिते। लेकिन स्ट्राइक पर अक्षय 192 के स्ट्राइक रेट से चल रहे अक्षय। आखिर गेंद पे तीन रन की आवश्यकता। काफी अच्छी गेंद और क्या मुकाबला हुआ है, बहुत ही अच्छा मुकाबला।
बहुत ही खतरनाक मुकाबला। बहुत ही खतरनाक मुकाबला। एम ब्लास्टर ने एक रन से एक मुकाबला जीत लिया है। सबसे बेहतरीन मुकाबला एम ब्लास्टर ने एक रन से इस मैच को जीत लिया। काफी शानदार ऐसा मुकाबला, एक रनों से जीत यहाँ पे एम ब्लास्टर की। अब अगला मुकाबला होने जा रहा है ब्लू पैंथर वर्सेस संजय वॉरियर्स। उम्मीद करते ये भी शानदार मुकाबला हो सकता है। कृपया दर्शकों से विनती है कि अगले मैच को भी इसी तरह एंजॉय करके देखिए। मदीना फ्रूट कंपनी बुट्टू भाई की तरफ से मेडिको 500 रुपए का इनाम। मदीना फ्रूट कंपनी की तरफ से मेडिको 500 रुपए का इनाम। 500 रुपए मेडिको जाती हुई यहाँ पे शानदार गेंदबाजी मेडिक यहाँ पे उर्फ सूरज मड़ावी। यहाँ पे मेडिको आगमन, कृपया मैडी से विनती है कि अपना यहां से पुरस्कार लेके जाइए। सादिक भाई को विनती है कि वो मैडी को अपने हाथ से पुरस्कार दीजिए। सादिक भाई कृपया स्टेज पे आइए। सादिक भाई संभव वागमर की तरफ से मैडी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मैडी को यहां पे कॉन्ग्रेचुलेशंस। कृपया पब्लिक ने ग्राउंड चा बाहर रहा हुए, कृपया पब्लिक ग्राउंड के बाहर रहिए। प्लीज कोऑपरेट पब्लिक, प्लीज ग्राउंड के बाहर रहिए, प्लीज कोऑपरेट। सैपुर भाई की तरफ से मैडी को 5000 रुपए।